मैं डायरेक्टली टेक्निक पे आता हूँ क्योंकि वही अभी नीड ऑफ द आवर है, उसी चीज़ की ज़रूरत है। एक्चुअली EFT हमें बताता है कि बॉडी में ये जो एनर्जी हमारी रोटेट करती है, यानी लाइफ एनर्जी फ्लो करती है, इसको रेगुलेट करने के कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं, फिर बहुत क्विक टेक्निक है और ज़रूर आप इस टेक्निक को देखें और अप्लाई करें, राइट? तो ध्यान से समझेंगे वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है ये, यानी कि दोनों आईब्रोज जहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है ये, यहाँ पे जहाँ पे आपके आईज़ का कॉर्नर है, सेकेंड। थर्ड ये है, यानी कि जो ये उभरा हुआ पार्ट है आपके आँखों के नीचे, थर्ड। फोर्थ है जहाँ पे चार्लिन चैपलिन की मूछें हुआ करती थी, यानी कि यहाँ पे, राइट, फोर्थ। फिफ्थ है यहाँ, जो आपके ये लिप्स का नीचे वाला पार्ट और चिन के बीच का पार्ट है, यहाँ पे, फिफ्थ। सिक्स्थ है ये, यहाँ पे जो दो बोन्स होती हैं यहाँ पे, राइट, ये बोन्स के ऊपर यहाँ पे, ये सिक्स पॉइंट है। सेवन है आपका जो आर्मपिट है, आप ऐसे फोर फिंगर्स रखिए और फोर फिंगर्स जहाँ ख़त्म होते हैं यहाँ पे आप टच करके देखिएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको हल्का सा पेन महसूस होगा। यस, राइट, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये है आपका सेवन्थ पॉइंट। और एट्थ पॉइंट है ये, यानी कि आपके टिप ऑफ द हेड, जिसमें जैसे बच्चे का जैसे तारू कहते हैं, जहाँ पे आप ऑयल लगाते हैं बच्चे को, या जो आपके हेड का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, ये पॉइंट्स हैं। अब ध्यान से समझो ये एनर्जी रेगुलेटर्स कैसे काम करते हैं। इन एनर्जी रेगुलेटर्स से होके आपकी लाइफ एनर्जी फ्लो कर रही है। अब इसके बीच में जो फियर है उसने कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया है, तो क्या होगा कि इस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए आपको लाइफ एनर्जी के फ्लो को बढ़ाना होगा, यानी वो सर्कुलेशन बढ़ाना होगा। वो सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा। जैसे कोई पाइप है, अगर उस पाइप के अंदर कहीं पर कुछ कचरा जमा है, कुछ गार्बेज स्टक हो गया है, तो अगर आप पानी के फ्लो को बढ़ा देते हैं तो वो क्या करता है, गार्बेज को क्लीन कर देता है और पाइप में पूरा पानी फ्लो करना शुरू कर देता है। यही सेम आपके साथ होता है। तो देखो क्या करना है कि इन पॉइंट्स पे टैप करना है। टैप करने का मतलब क्या है, जैसे आप बहुत नॉर्मल ऐसे ऐसे हल्के हल्के अपनी फिंगर से हल्का सा एक प्रेशर डाल रहे हैं, इसे टैपिंग कहते हैं। तो ये आपको टैप करना है। और क्या है कि इसमें जो मेरा मेथड है वो बहुत शॉर्टकट है लेकिन इफ़ेक्टिव है। मैं डायरेक्टली वो मेथड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो ये पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे टैप करना है, जैसे मैंने आपको अभी टैपिंग बताई। और ये टैप करते हुए आप सिर्फ डायरेक्टली उस इमोशन का नाम ले सकते हैं जो इमोशन आप फील कर रहे हैं, जैसे वो फियर है, राइट? तो दिस फियर। और मैं आपको पहले करके बताता हूँ एक बार, फिर आप चाहें तो मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, दिस फियर, और आप चाहें तो आँखें बंद भी कर सकते हैं। एक बार आप पहले स्टेप समझ लें उसके बाद आँखें बंद करिएगा। दिस फियर, this fear, 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 right? ये मैंने अभी एक साइकिल की, right? यानी कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और कंप्लीट करके यहाँ पे फिनिश किया, ये फर्स्ट साइकिल है। ऐसी टोटल थ्री साइकिल्स आपको करनी है। कुछ लोगों के सवाल आएंगे कि ये टेक्निक हमें कितनी बार करनी है, कैसे करनी है, लगातार करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कंफर्टेबल रहिए। इस टेक्निक को कंफर्टेबल तरीके से आप एक बार करिए और फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में मत प्लांट करिए। जितनी रेलिवेंट ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उतनी आप परसीव करिए, बाकी इन्फॉर्मेशन को छोड़ दीजिए। बहुत सारी न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिवेंटिव मेज़र क्या लेने हैं वो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये फियर वापस बिल्ड नहीं होगा। अपनी फैमिली में लोगों को ये टेक्निक सिखाइए, ये वीडियो दिखाइए, जिससे वो भी ये कर सकें, सो दैट आपका कम्युनिकेशन भी चेंज हो। आप हमेशा इसी डेंजर के बारे में बात ना कर रहे हो, बल्कि प्रिवेंटिव मेजर्स लें, प्रिकॉशंस लें और उसके बाद रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल रहें। और फिर भी अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो मे बी वंस इन अ डे आप इस टेक्निक को कर लीजिए, या आप रात में सोने से पहले एक बार इसे कर लीजिए, जब सुबह उठते हैं तब आप इसे एक बार टेक्निक को कर लीजिए, और आप देखेंगे कि कितना कंफर्ट और कितना रिलैक्सेशन आपके पास आ जाएगा। और जिन लोगों के साथ भी हो सके इसे प्लीज़ आप शेयर करिए, इट इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक। थैंक यू एंड लिव द लाइफ दैट यू डिज़र्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।